पीलीभीत में वन कर्मियों द्वारा एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। मृतक ग्रामीण का नाम कुलवंत बताया गया है। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत के थाना हाजरा वन क्षेत्र खीरी जिला लखीमपुर में एक ग्रामीण कुलवंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वन अधिकारियों की माने तो सुरक्षा का दावा करने वाले वन कर्मियों द्वारा गोली इसलिए मारी गई कि वे लकड़ी तस्कर थे, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि मृतक कुलवंत मवेशी को लेने गया हुआ था। फिलहाल पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव व एसपी मनोज सोनकर घटना स्थल पहुँच कर मुआयना किया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। हाजरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन वन कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही शव को पीएम के लिए भेज दिया है। ये मेरा लड़का कुलवंत सिंह। क्या हो गया था, क्या घटना हो गई थी? ये भैंसी हमारी जंगल में चार खोई थी, वो खोजने गए थे गांव बाहर। जब गांव के पास आया और गांव में छड़क आती खड़ंजा हमारे घर साइड में, वहां आ रहे थे, वहां अचानक ये जगलात वाले आगे से फटगार और तीन लोग जा रहे थे, कन्हैया लाल था जो फटगार है, उन्होंने तुरंत आते इनको गोली मार दिया। साथ वाले ने भाग के गए, उन्होंने मेरे को बताया बाबा जी ये बात हो गई है, फैट गार्ड कन्हैया है उसने गोली मारा। क्यों मारी? वो एक घायल हो गया साथ में। वजह क्या थी, क्यों? वजह उनका पता नहीं क्या माहौल था, क्या नहीं, किसी दूसरे आदमी के पीछे वो लगे हुए थे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ क्यों चोरी भी होती है जगड़ात की, क्या पता नहीं किस छक में मारे किस छक में नहीं मारे, वैसे वो उन्होंने बदोसा मारा है। ये कहाँ लगी है गोली आपके बेटे? गोली ये लगी है मुंह के सामने, ये पूरा जुबान, ये पूरा सज्जा का ये उड़ गया। कोई दुश्मनी दुश्मनी थी क्या? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। रिपोर्ट लिखा दी आपने? हाँ जी, रिपोर्ट दर्ज करवा दिया थाना हजारन वीरगंज में। ये प्रातः आज आ रहे थे लकड़ी एकत्र करके मृतक कुलवंत जी की, वन कर्मियों पर आरोपित किया गया है कि उन लोगों ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दिया है। मौके पे मौजूद हूँ, ये टाटरगंज के घटनास्थल पे, ये जहाँ पे आप बाइट ले रहे हैं। अभियोग 302 का पंजीकृत कर लिया गया है, शव को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है, वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की जाएगी। गुणदोष के आधार पर जो दोषी वन कर्मी हैं उनका निर्धारण करके, कुछ तीन लोगों का नाम भी बता रहे हैं जिन लोगों ने फायर करके हत्या की है, उनका गुणदोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।